आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जिले में राप्ती और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह, कई जगह टूटे तटबंध। एडीएम फाइनेंस ने कहा, जनपद की स्थिति क्रिटिकल, बांधों को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कैमरे में कैद हुआ लाइव एक्सीडेंट, धर्मशाला बाजार के गोयल गली के पास स्विफ्ट डिजायर कार ने रेलवे कर्मचारी के बाइक में मारी जोरदार टक्कर, दोनों कर्मचारियों की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, कर रही है आगे की कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा, 18 वर्ष के ऊपर तथा महिलाओं को मतदाता बनाने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई पंचायती राज विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक, हैंडपंपों की खराब स्थिति पर जताई नाराजगी, कहा गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को करे पूरा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के नोडल अधिकारियों की बैठक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए निर्देश। महानगर के वार्ड नंबर 8 जंगल बेनी माधव नंबर 2 के मोहरीपुर तरहवा में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों के जले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लोगों में अभी भी है दहशत। विधायक विपिन सिंह ने नौसर में बाढ़ पीड़ितों को किया राशन सामग्री का वितरण, कहा प्रदेश की योगी सरकार है जनता के साथ, नहीं होगी कोई दिक्कत। एसपीसीटी सोनम कुमार के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर का किया गया निरीक्षण, सुरक्षा के प्रत्येक बिंदुओं की गई समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर 23,469 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 17,674 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,795 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। नवीन महमो मंडी में आलू के दामों में हुआ भारी गिरावट तथा प्याज के दामों में आया उछाल, आढ़तियों ने कहा अभी भी प्याज के दाम बढ़ने के हैं आसार। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक, कहा 2022 में प्रदेश में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और पिछले कार्यकाल में छूटे कार्य को किया जाएगा पूरा। जिले के प्रभारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर के सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक, संगठन को मजबूत करने सहित शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनी रणनीति। प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी राजेश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम, कहा बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करके लड़ा जाएगा विधानसभा 2022 का चुनाव। गोरखपुर में शुक्रवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,397। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 9 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और एसपीसीटी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, पुलिस भी वॉलंटियर बनकर कर रही है कार्य, किया आश्वस्त, कहा गोरखपुर पुलिस है आपके साथ।